हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बोल दिया और आज आपको लेके चलते हैं रफ्तार ब्लॉग के साथ में खेती में। सलाद पता आप लोग को टाउन में मिलता होगा, आप लोग नहीं देखे होंगे खेत में कैसा उगता है, तो चलिए आपको दिखाते एक बार, जिसको सलाद पता बोलते हैं। और भी आपको थोड़ा दिखाते हैं नज़दीक जाके। तो सलाद पता बोलते हैं। हेलो गाइस, तो चलते हैं आपको रफ्तार ब्लॉग के साथ में। आज यहाँ पे आपको कुछ दिखाते हैं चाइनीज कैबेज बोलते हैं, एक सब्जी के आइटम है जो आपको वेज में काफ़ी अच्छा है, इसको सलाद भी बना के खा सकते हैं। और आपको दिखा रहे हैं जैसे इसको चाइनीज कैबेज बोलते हैं। और यहाँ पे एक भाई साहब भी है, उनसे भी बात करवाते हैं। एक बार दिखा देते हैं आपको, इसके बाद में बात कर लेंगे। ये चाइनीज कैबेज जिसको बोलते हैं, ये मतलब सलाद में काफ़ी टेस्टी होता है और खाने में बहुत ही माहिर है। दाल के साथ में इसको सलाद बना के खा सकते हैं, बॉयल भी बना के खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये, मैं भी पहले कभी खाया था लेकिन इसका नाम मालूम नहीं था। आज मैं आप लोग को दिखा रहा जैसे चाइनीज कैबेज, कुछ और आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं चाइनीज कैबेज। तो गाइस, एक भाई साहब यहाँ पे है, शायद इन्हीं का खेत है, उनसे कुछ पूछते हैं। जो चाइनीज कैबेज का बारे में जो बताया था, ये मतलब आप क्या बीज से निकलते या फिर इसका चारा लगाते हैं? बीज से निकलता है। आपका नाम क्या बोलिए? मोहन महतो। मतलब आप लोग भी खेती करते हैं? हाँ, सब्जी खेती वाला है। और ऐसे मतलब आप लोग यहाँ का है या नहीं? हम लोग बिहार का रहने। बिहार कौन सा जगह? बिहार का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का रहने। अच्छा अच्छा, देखिए इतना दूर से आके जैसे हम लोग के लिए, जैसे टाउन का आदमी लोग को मतलब बहुत जल्दी मतलब सब्जी मिल जाता है। बिहार कौन सा जगह बोले थे? बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आके मतलब खेती का काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कभी में मतलब ये लोग मेहनत करते हैं तभी हम लोग को सब्जी मिलता है। ये भाई साहब ये चाइनीज कैबेज के बारे में कुछ बताएंगे, ये मतलब बीज से लगाते हैं या कैसे लगाते हैं? ये बीज से लगाते हैं। अच्छा, तो इसका ये मतलब बीजन पहले मैंने गिराया जाता है। अच्छा, अब बीजन गिराने के बाद उसके 20-25 दिन के बाद ये पुली इसका तैयारी होता है। अच्छा, तो ये तैयारी जब हो जाने के बाद तब उसको वहाँ से उठा करके तब खेती में इसको लगाते हैं। अच्छा, और कितना दिन में मतलब खाने लायक बन जाता है? ये खाने लायक आपका हो जाता है 2 से 2.5 महीने तक हो जाता है। अच्छा, और ये मतलब सिर्फ सलाद में यूज होगा? ऐसे सब्जी फ्राई में भी खा सकते हैं? हाँ, सब्जी फ्राई और सलाद बनाइए और मतलब फ्राई भी कर सकते हैं। हाँ, फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि आदमी को मतलब अलग अलग खाने का स्टाइल है। थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर इधर का भी आसपास का कुछ बनाएंगे, आप लोग से मिलेंगे जरूर। थैंक यू। तो गाइस, आपको यहाँ पे एक मिर्ची दिखाते हैं जिसको बुलेट मिर्ची बोलते हैं, चापा मिर्ची बोलते हैं, अपना अपना लैंग्वेज से बहुत कुछ आदमी लोग बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये मिर्चा का खेती है। और आपको दिखाते हैं जैसे ये काफ़ी मोटा है, देख सकते हैं। और ये झाल भी होता है और इसको कोई अचार बनाने के लिए भी लेके जाते हैं। देख सकते हैं। और यहाँ पे ये लाल भी होता है, एक लाल भी है। आपको चारों तरफ से इधर में दिखाते हैं, एक भाई साहब और भी है, इसका बारे में कुछ बताएँगे। देख सकते हैं पूरा मिर्चा का ही खेती है। और इस पास में आपको यहाँ पर ढमगुटी का खेती है, लाई पता खेती है। और लाई पता। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लाई पता का खेती है, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भाई साहब से पूछते हैं, मतलब ये भाई साहब का ही खेती है। तो आपका नाम जान सकता हूँ? सोहन प्रसाद। आप कहाँ से हो? हम तो बिहार गोपालगंज जिला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वो भाई साहब का भी एक ही डिस्ट्रिक्ट है आप लोग? जी, एक ही डिस्ट्रिक्ट है। गाइस देख सकते हैं जैसे मतलब बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आके मतलब जैसे खेती वगैरह कर रहे हैं हम लोग को कितना सुविधा के लिए। हम लोग टाउन में बैठ के सिर्फ हम लोग खरीदते हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते कि खरीदने में और मतलब खुद जाके जहाँ पे जो उगाते हैं उसके बारे में मतलब कितना मेहनत लगता है, क्या होता है, हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग मार्केट में कभी जाने से क्या होता है कि जैसे इसको बहुत मोलमलाई करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मेहनत के साथ में धूप में छाव तो कमती ही मिलता है, धूप में ज़्यादा खेती होता है। ये मतलब आप लोग क्या इसका बीज लगाते हैं या क्या लगाते हैं? ये बीज गिरा कर इसको रोपते हैं। अच्छा, 1 महीना 1.5 महीना में हो जाता है बीज, तो हम तैयारी कर कर खेती तैयारी करते हैं तब उसके बाद में लगाते हैं इसको। अच्छा, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और दूसरा कुछ और दिखेंगे तो वहाँ भी थोड़ा बात करेंगे। थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ बंदा कभी का खेत दिखाते हैं। यही मतलब भाई साहब का, ये गोपालगंज का जो भाई साहब है इन्हीं का खेती है। काफ़ी अच्छा से बना रखे हुए और देख सकते हैं, इसको बंदा कभी बोलते हैं।
और थोड़ा आपको यहाँ पे छोटा बड़ा सब किस्म का आपको देखने को मिल रहा है। सो देख सकते हैं, ये एक है और ये पूरा बंदा गोभी का खेत है। काफ़ी अच्छा से लगा के रखे हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डाटा का पेड़ है और लाई पत्ता भी है, उसके बाद में जगह जगह में शलगम भी है। और अभी आपको दिखा दे, जैसे देख सकते हैं ये डाटा का, जिसको डाटा साग बोलते हैं, लाल साग भी बोलते हैं, अपना अपना लैंग्वेज में आदमी लोग बहुत सारे चीज़ बोलते हैं इसको। और काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं डाटा खेत में कैसे उगते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डाटा दिखाया था जैसे लाल कलर का, और ये आपको जैसे हरा रंग में देख सकते हैं। ये भी डाटा, भी डाटा ही है लेकिन ये हरा रंग का है, और वहाँ पे जो आपको दिखाया था वो ये लाल रंग का है। सो यहाँ पे और भी आपको दिखाते हैं, जैसे ये काफ़ी सारा डाटा है और किस्म किस्म का डाटा है। तो एक ही जगह में मतलब खेती करते हैं, उसका खेत भी थोड़ा अलग है। ये भाई साहब गोपालगंज वाला भाई साहब से वहाँ भी मिला था, कौन सा खेत में मिला था? चाइनीज कबेज के साथ में। यहाँ पे फिर मिला हमको डाटा खेत में, वो भी ये भाई साहब का ही है, और डाटा काफ़ी अच्छा से खेती करके रखे हुए, और एक लाल कलर का है और एक हरा रंग का है। सो दोनों के बारे में एक बार पूछते, तो लाल वाला में खाने में क्या टेस्ट है और हरा वाला में खाने में क्या टेस्ट है? लाल वाला में और हरा वाला में दोनों टेस्ट एक ही है। अच्छा, इसमें कोई भी मछली उछली के साथ में खा सकते हैं? मच्छी उच्छी के साथ में कोई भी, चाहे इसे साग बनाइए चाहे मच्छी उच्छी के साथ में मिला करके बनाइए, बहुत टेस्ट होता है। अच्छा, ये लाल वाला उगने में कितना दिन लगता है? बस महीना दिन, एक महीना में। उसका भी मतलब बीज आता है ना? बीज होता है, दाना ना? हाँ। और ये जो हरा वाला, वो हाँ इसका भी बीज होता है। सो थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, वहाँ भी बातचीत किए थे, यहाँ पे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। सो थैंक यू। तो गैस आपको ये बोरखुली, बोरखुली का पेड़ आपको दिखाते हैं एक बार, जैसे फ्लावर का जैसा है, और ये फूल गोभी का जैसा भी मिलता होगा आप लोग को। सो आप लोग खेत में कैसा उगते हैं आप लोग नहीं देखे होंगे, सो आज मैं आप लोग का दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल फूल गोभी का जैसा है, पानी नहीं मिलने के कारण थोड़ा सूख गया है। इसका भी बीज आता है ना? तीन महीना लग जाता है। सो आपको दिखा दिए। और ये देख सकते हैं, मालूम हो गया आप लोग को, दिखाने का ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी बड़ा है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको बंदा गोभी का पेड़ दिखाएं, और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बड़ा नहीं है मतलब छोटा है। सो देख सकते हैं जैसे मतलब अभी बड़ा का टाइम ख़त्म हो चुका है, और अभी मतलब सूखा पड़ गया ना। सो अभी बारिश वरिश होने से फिर यही बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे एक दो देख सकते हैं, जैसे एक ये है और मतलब यही बड़ा होता, लेकिन अभी बारिश नहीं है इसके लिए मतलब सूखा पड़ा हुआ है। सो आप लोग को दिखाते हैं, कभी अगर बड़ा होगा तो एक दूटी दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं है। और यहाँ पे एक भाई साहब भी है, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो एक भाई साहब मिले, सो इनका मतलब बंदा गोभी का खेत है, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जैसे मतलब अभी सूखा पड़ गया, जैसे अभी बारिश वगैरह नहीं हो रहा है इसके लिए मतलब छोटा छोटा बंदा गोभी आपको दिखाए। सो इसके बारे में बताएँगे ये भाई साहब, मतलब ये कब कब आपको मतलब बड़ा बंदा गोभी मिलेगा। सो ये भाई साहब हैं, आपका नाम? नाम सुरेंद्र दास। कहाँ से आप? बिहार से। कौन सा जगह? मोतिहारी। अच्छा अच्छा, एक भाई साहब मिले था वहाँ पे गोपालगंज का। हाँ, गोपालगंज का। अच्छा, सो एक मोतिहारी जिला का एक भाई साहब मिले, और ये बंदा गोभी खेत आपका है, तो ये मतलब कौन सा टाइम में मतलब बड़ा बंदा गोभी मिलता है?
अभी तो लास्ट सीजन हो गया ना हम लोग का, अभी जनवरी में और दिसंबर में जो होता है ना, फरवरी में वो अच्छा होता है बंधा गोभी। अच्छा, मतलब उस टाइम टेस्ट भी होता है, नया नया निकलता है ना। अभी तो ये समर सीजन हो गया ना, अभी अभी खाने में भी टेस्ट नहीं होगा, अभी उतना टेस्ट नहीं है ये, लेकिन छाव मोमो के लिए अच्छा चलता है यहाँ में नागालैंड में ना। अच्छा अच्छा, जैसे देख सकते हैं ये छाव मोमो में मतलब फेमस है ये, और यहाँ पे जैसे कुछ सलाद सलाद वलाड वो सब के लिए मतलब काफ़ी अच्छा है, जो होटल वगैरह में भी चलाते हैं, जैसे प्याज का बद्दी में भी चलाते हैं। सो मतलब यहाँ पे मतलब अभी ये सब घास जो छील के मतलब फिर सफा करके फिर दूसरा कुछ लगाने वाले क्या? इसी में मकई लगेगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मतलब पूरा घास फूस मतलब छील के यहाँ पे देख सकते हैं टुकड़ा बन के रखे हुए हैं, और फिर इसी में मतलब मकई का खेत होने वाला है। और यहाँ पे आपका ही फैमिली है? सो यही भाई साहब का फैमिली जैसे खेत कर रहा है। सो मतलब देख मतलब ये अच्छा लगता है कि जैसे खुद मतलब मेहनत करके जो बनाते हैं, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ तो यही होता है, जैसे यहाँ पे सब मिलके मेहनत कर रहे हैं